विलास मुत्तमवार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में दिए गए बेहद घृणित बयान की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। ये बाबा साहेब और संविधान की परवाह करने वाले हर व्यक्ति का अपमान है। यह कांग्रेस और मुत्तमवार की मानसिकता को दर्शाता है जो बाबा साहब और अम्बेडकरी समुदाय का इस्तेमाल केवल वोटों के लिए कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा धर्मपाल मिश्रा द्वारा कहा गया है कि मुत्तमवार ने तुरंत अपने घृणित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा भाजपा कार्यकर्ता शांत नहीं रहेंगे। ये चेतावनी सीधे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से दी गई है। कांग्रेस के नेते माजी खासदार आणि माजी मंत्री विलास मुत्तेमवार यांनी काल बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकरांच्या संदर्भाने अत्यंत घृणित अशा पद्धतीचं वक्तव्य दिलेलं आहे। खाजगी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी बाबासाहेबांच्या बद्दलची जी काही भाषा वापरली ती या देशातला राज्यातला आणि शहरातला कोणताही बांधव ज्याला ज्याला संविधानामध्ये आस्था आहे असा कोणीही सहन करणार नाही। मुत्तेमवार तुमचं तोंड रंगवल्याशिवाय कोणताही अनुसूचित जाती वर्गातला असेल किंवा कोणताही आंबेडकरी चळवळीतला माणूस असेल तो ठेवणार नाही। लक्षात ठेवा, तुम्ही तत्काळ प्रभावाने माफी मागा, अन्यथा याद राखा तुमचं तोंड आणि थोबाळ दोन्ही भाजपचा कार्यकर्ता रंगवल्याशिवाय ठेवणार नाही।